स्वच्छ भारत मिशन पखवाड़ा के अवसर पर मांझी प्रखंड की मरहा पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पंचायत के प्रत्येक वार्डो में स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। मुखिया मुन्ना साह ने बताया कि ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अनवरत चलाया जाएगा। स्थानीय पंचायत भवन परिसर में सभी सफाई कर्मियों के बीच यूनिफॉर्म का वितरण किया गया, साथ ही उन्हें स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। मौके पर मौजूद ग्रामीण नंद कुमार राम ने बताया कि गांव में साफ सफाई रखने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य गांवों को स्वच्छ और ग्रामीणों को स्वस्थ बनाना है। गांव के लोगों की बेहतर जीवन शैली के लिए स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ तन मन का रहना जरूरी है। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सरकार की स्वच्छता लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभियान के तहत स्वच्छता को केवल सरकारी योजना के रूप में नहीं बल्कि लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुखिया ने कचरा प्रबंधन के तहत सूखा कचरा एवं गीला कचरा ढोने वाली ई रिक्शा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तत्पश्चात सफाई कर्मियों सहित अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर पंचायत भवन परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। मुखिया जी, आज के कार्यक्रम के संबंध में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ठीक है, बोलिए। सबसे पहले आप लोग आए, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। रही बात लोहिया स्वच्छ अभियान की, आज से हम लोग लोहिया स्वच्छ अभियान का शुरुआत किए। आज से कल से हम लोग का हर वार्ड में सफाई का काम चालू होगा। हमारे जितने भी कर्मी हैं सभी लोग आज शपथ लिए। मैं प्रयास करूंगा कि सभी लोग मन लगा करके अपना काम करेंगे। मैं इनका हमेशा साथ दूंगा, चाहे जो भी कठिनाइयां आएंगी मैं इनके साथ में रहूंगा। मैं इस योजना को प्रयास करूंगा कि सफल बनाऊं, हर संभव मैं इसके साथ में खड़ा रहूंगा। हमारे जो भी कर्मी हैं इनके साथ में मैं खड़ा रहूंगा। थैंक यू। यह स्वच्छता अभियान चलाया गया मरहा पंचायत में, इस संदर्भ में क्या जानकारी? यह स्वच्छ बिहार अभियान, ये जो सरकार का अभियान है, गांधी जी का आह्वान था स्वच्छ रखेंगे, स्वच्छ बनाने के लिए सबको प्रेरित करेंगे। तो ये 2 अक्टूबर 2014 से अभियान चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 से 19 तक 5 फेज था, जिसमें लोगों को शौचालय बनाना, सफाई करना, लोगों को बाहर न जाने देना, गंदगी न फैलाना, ये सब सरकार का आह्वान था। उसमें सब लोग को शौचालय बना करके उद्यत किया गया। उसके बाद सेकेंड फेज आया 2025 तक, 2021 से 25 तक सेकंड फेज आया। इसमें कचरा का प्रबंधन किया गया, हर घर से कचरा जो निकासी हो रहा है उसका एक टोल बना करके, WP बना करके कचरा प्रबंधन में वहां पर डैम्प करके खाद बनाने का प्रक्रिया किया गया। इसमें सभी कर्मी का योगदान था। पंचायत स्तर पर हर वार्ड से 2 कर्मी का बहाल किया गया स्वच्छता कर्मी में, वो अपना हर वार्ड में कचरा उठाएंगे, कचरा उठा करके ठेला द्वारा WP पर पहुंचाएंगे। ये सरकार का अभियान था, इसको सफल बनाने के लिए सभी योजनाओं को इसमें कार्यान्वित किया गया। क्या नाम है सर? क्या नाम है? मेरा नंदलाल राम, प्रखंड समन्वयक माझी। थैंक यू। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।